हेलो गाइस, मेरा नाम है सरफराज और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए 25x45 की एक हाउस प्लानिंग लेकर आया हूँ। आइए शुरू करते हैं। इस प्लानिंग में आप देख सकते हैं, आपको मेन गेट, मेन एंट्री दी गई है यहाँ पर 9 फुट की, और 4 फुट का प्रोवेशन छोड़ा गया है जो कि ओपन छोड़ा गया है 4 फुट का, जहाँ बालकनी आएगी ऊपर। एक ड्राइंग रूम है 12x14 का। आपका स्टेयर केस और पोर्च है 19.5 फीट का। इसमें आपकी कार बड़े आराम से खड़ी हो सकती है। D0 यहाँ से मेन एंट्री अंदर करते हैं। एक लॉबी है इसमें 10x11.9 फुट की, जो कि अच्छी खासी एक लॉबी है। आप इसमें किचन देख सकते हैं, 7x9 का एक सफिशियंट किचन है, बहुत बड़ा किचन है ये। इसके सामने ही दूसरी तरफ बाथरूम है और लैट्रिन है। गाइस, इसमें इन दोनों के दरवाजे आमने सामने खुलेंगे, और बीच में जो जाल लिखा है यहाँ पर वॉश बेसिन लग सकता है, वॉश बेसिन लगा सकते हैं आप। पीछे देख सकते हैं, 2 बेडरूम हैं, 10x15 का एक बड़ा बेडरूम है, और एक 13x7.5, 10 फुट 7.5 इंच का एक और बेडरूम है, जिसके साथ टॉयलेट अटैच है। पीछे ओपन लिखा है, वहाँ के लिए जाल है, जिसकी एंट्री 10x15 वाले बेडरूम से है, राइट साइड वाले बेडरूम से है इसकी एंट्री। गाइस, इसमें आप देख सकते हैं कितना स्पेस है, और ये एक बहुत अच्छी हाउस प्लानिंग है। इसमें आपकी कार भी खड़ी हो सकती है, बहुत सफिशियंट आपको ड्राइंग रूम मिल रहा है, प्रोजेक्शन मिल रहा है। ये देख सकते हैं गाइस, इसमें पूरी डिटेल है कॉलम्स की भी, और हर एक रूम की डायमेंशन की हर चीज़ खोली गई है। इसमें किचन की डायमेंशन दिखाई गई है 7x9, ड्राइंग रूम है इसमें 14x12 का, बाथरूम है 5x9.5 फुट का एक जाल दिया गया है बीच में, और इसमें WC मतलब लैटरिन दिखाई गई है, वाटर क्लोसेट, जो कि 5x9.5 फुट का है, जो कि काफ़ी सफिशियंट है। पीछे 2 बेडरूम दिखाए गए हैं, इसकी सारी डायमेंशन इसमें लिखी गई है, डोर विंडो कहाँ है, कौन सा डोर है, सब दिखाया गया है। गाइस, आपके अकॉर्डिंग अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कोई दूसरी तरह की प्लानिंग आप चाहते हैं तो भी बताइए, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बताइए। गाइस, एक रेजिडेंशियल हाउस प्लान है, आपके रहने के अकॉर्डिंग आपके एकदम ये कोठी स्टाइल है, और इन दैट केस अगर आपको रेंट पर्पज़ के लिए चाहिए तो बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और एक मैं सैंपल यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, इस तरह से अपने प्लॉट का एक सैंपल ड्रॉ करके उसकी फ़ोटो क्लिक करके अपलोड कीजिए, मुझको बताइए, और अपनी रिक्वायरमेंट लिखना मत भूलिएगा गाइस। मैं आपको इसका प्लान, अगर आपको चाहिए तो फ्रंट एलिवेशन भी मैं आपको इसमें अपलोड कर सकता हूँ, जो कि मेरी दूसरी वीडियोस में होगा। एंड थैंक यू, अपनी रिक्वायरमेंट उसको बताइए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लान बना के दूंगा। मे बी गाइस, वो पेड भी हो सकता है और फ्री भी हो सकता है। गाइस, आपको वीडियो पसंद आया इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फीडबैक देना मत भूलिए। थैंक यू।